एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो जैसा कि कि आप जानते हैं हैं पिछली में हमने डिस्कस किया कि नॉर्वे आने के कौन कौन से वेज और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप नॉर्वे में एडमिशन कैसे ले सकते हो नॉर्वे में एडमिशन लेने के लिए कुछ डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं इस वीडियो में मैंने उन रिक्वायरमेंट्स को पांच डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है आप अपनी मर्जी के हिसाब से किसी भी टाइम स्टेट पर जाके उस सेक्शन को देख सकते हो सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सो so, हमारा पहला सेक्शन है वो है जनरल रिक्वायरमेंट्स का so, ऐसी कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको फॉलो करते हुए आप एडमिशन ले सकते हो नॉर्वे में सो so, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप हायर एजुकेशन या सेकेंड ईयर के बाद एडमिशन ले सकते हो नॉर्वे में या नहीं सो so, इसका आंसर है येस yes, आप एडमिशन ले सकते हो बट द प्रॉब्लम इज कि जब भी आप एडमिशन लेते हो उसके बाद जब आप वीजे के लिए अप्लाई करते हो उसके चांसेस बहुत ज्यादा लो होते हैं ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट चांसेज़ ये है कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा अगर आप बैचर स्टडीज़ के लिए आना चाह रहे हो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि नॉर्वे में जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है वो नॉर्विजियन होता है एंड अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से आ रहे हो तो ऑब्वियसली आपको नॉर्विजन नहीं आती होगी एंड इसी वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है इसके अलावा कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है और उसके बाद आपको वीज़ा भी मिलता है ऐसा इसलिए है बिकॉज उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता होता है है वो इंग्लिश में होता है। आपको वहां एडमिशन भी मिलता है और उसके बाद आपको वीजा भी मिल जाता है बट कीप इन माइंड वन थिंग जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियां है, हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है जबकि जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज होती हैं वो फ्री होती हैं सो अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो आई एम सॉरी टू से आपको ये वीडियो यहीं पर स्किप करनी पड़ेगी बिकॉज आगे जिस पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें मैंने ज़्यादातर मास्टर स्टूडेंट्स के हवाले से बात की भी है सो आई एम सॉरी गाइस सो मास्टर्स के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्यों है वो इसलिए है बिकॉज मास्टर स्टडीज़ का जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वो इंग्लिश में होता है हैंस कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसको फुलफिल करने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हो और नॉर्वे में स्टडी कर सकते हो नॉर्वे में ऑलमोस्ट ट्वेंटी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से जो टॉप टेन की यूनिवर्सिटीज है वो ये दी हुई है आप इनमें से भी किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज कर सकते हो और उसमें आप मास्टर स्टडी के लिए अप्लाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि आप किस फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हो सो so, मास्टर्स के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए या फिर सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए उसके अलावा आपका जो जी है वो मिनिमम टू होना चाहिए या फिर उसके ज्यादा होना चाहिए अगर आप 3.2 या थ्री के बीच में अगर आपका जीपीए है तो आप एक सेफ जोन में हो और आपके चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपका GPA थोड़ा सा कम है बट आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो नॉर्वेजियन जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो उसको भी बहुत ज्यादा प्रेफर करती है उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल योर मैट्रिक सर्टिफिकेट योर हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट योर बैचलर सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट वो हायर एजुकेशन कमीशन से आर्टिस्टेड होनी चाहिए जब वो उनसे आर्टिस्टेड होंगी उसके बाद यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कि यस यूर डिग्री इज़ वैलिड और वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं सेवन सेमेस्टर में हूँ और या मैं एट सेमेस्टर में हूँ और अभी तक मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो क्या मैं अभी से अप्लाई कर सकता हूँ ताकि जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाए और मेरा टाइम वेस्ट ना हो और मैं मास्टर्स के लिए नॉर्वे आ जाऊँ सो द आंसर इज़ नो यू कैन नॉट आप सिर्फ होप सर्टिफिकेट के बेस पे नॉर्वे में मास्टर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों हो उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है लैंग्वेज प्रोफिशंसी नॉर्वे में ऑलमोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जब आप वहां पर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको आपके पास इंग्लिश सर्टिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए दिस कैन बी बेस्ड ऑन डिफरेंट सर्टिफिकेशन लाइक आइल्स एंड टफल तो अगर आप आइल दे रहे हो सो तो जो रिक्वायरमेंट है वो है 6.5 मिनिमम तो आपको हर पार्ट में मिनिमम 6.5 बैंड लेना है और आपका ओवरऑल भी मिनिमम 6.5 ही होना चाहिए इसके अलावा आप टफल का भी एग्जाम दे सकते हो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपका इंटरनेट बेस पे 80 पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए क्योंकि जब भी कंप्यूटर बेस्ट पे आपका 220 हंड्रेड मिनिमम होना चाहिए इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो बैंड पे भी आपको एडमिशन दे देती है जो कि आप इन दी गई हुई यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जाके देख सकते हो नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का जब आप नॉर्वे के लिए अप्लाई कर रहे हो और आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो सो आपने एक बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी है और वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो थ्री मंथ से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए फॉर एग्जाम्पल ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जो डेडलाइन है वो फर्स्ट ऑफ दिसंबर है और अगर आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो फर्स्ट ऑफ सेप्टेम्बर से पुरानी है सो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेबल सो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो मिनिमम थ्री मंथ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसके अलावा जब आपको एक बार एडमिशन मिल जाता है तो आपको ऑलमोस्ट वन लाख ट्वेंटी एट थाउजेंडीजन बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने होते हैं वो आप इसलिए ट्रांसफ़र करते हो बिकॉज यहाँ पे जो आपका स्टे है जो पहले साल का जो स्टे है वो उन्हीं पैसों से ही कवर होगा जैसे ही आप नॉर्वे आते हो आपको वीज़ा लगता है आप नॉर्वे पहुँचते हो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करते हो और यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हो तो उसके बाद वो जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है और आप उसको यूज़ कर सकते हो इट इज़ जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पजेज़ कि आप पहले साल में आपको फंड्स की जरूरत ना पड़े अगर आपके पास जॉब नहीं भी है तो अदरवाइज देर इज नो ट्यूशन फी इन नॉर्वे ये जो पैसे हैं जो कि आप इस ब्लॉक अकाउंट में ट्रांसफर करते हो वो जस्ट आपकी अपनी जरूरियात के लिए होती हैं फॉर एग्जाम्पल आपका रेंट आपका खाना पीना आपके बिल्स एक्सेट्रा उसके अलावा एवरी थिंग एल्स इज कवर्ड बाई यूनिवर्सिटी इसके अलावा एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है अगर आप अकेले नहीं आ रहे हो और आपके साथ आपका भी आ रहा है तो आपको वन लाख ट्वेंटी एट थाउजेंड की जगह उसकी डबल अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ता है और सेम गो फॉर द बैंक स्टेटमेंट एज वेल सो so ये तो हो गई तो नॉर्वे में जो नॉर्मली एडमिशन पोर्टल्स खुलते हैं वो फर्स्ट अक्टूबर से लेके फिफ्टीन अक्टूबर के बीच में खुलते हैं और जो डेडलाइन होती है वो फर्स्ट ऑफ दिसंबर से लेके फिफ्टीन ऑफ दिसंबर के बीच में होती है दिस मीन्स कि आपको ऑलमोस्ट टू मंथ्स का टाइम मिलता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने में और अप्लाई करने के लिए वंस जब आप अप्लाई कर लेते हो उसके पास ऑलमोस्ट फोर टू फाइव मंथ्स के बाद रिजल्ट अनाउंस होता है सो so, इस टाइम पे आपने स्ट्रेस नहीं लेना एंड कीप अप्लाइंग टू सम अदर यूनिवर्सिटीज इन सम अदर कंट्रीज एंड देन कीप वेटिंग फॉर योर रिजल्ट एंड बी होपफुल अगर आपके सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे हैं और आपके ग्रेड्स अच्छे हैं आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है तो फॉर श्योर sure आपको एडमिशन मिलेगा नॉर्मली जो एडमिशन के रिजल्ट अनाउंस होते हैं वो अप्रैल के लास्ट वीक या फिर मई के फर्स्ट वीक में अनाउंस होते हैं और एक बार आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है तो उसके बाद आपके पास 14 डेज होते हैं जिसमें आपने मस्ट या उसको रिजेक्ट करना है या फिर एक्सेप्ट करना है so keep this in mind. तो कीप दिस इन माइंड तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो सबसे पहले आपको अपने मैट्रिक और एफ कि जो डिग्रीज हैं और ट्रांसक्रिप्ट है वो चाहिए उसके अलावा आप, आपको बैचलर डिग्रीज़ के ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री चाहिए आपके पास आइल्ट का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके तो पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए उसके अलावा आपके पास जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो होने चाहिए लाइक द बैंक स्टेटमेंट और आपके पास पावर ऑफ अटर्नी लेटर भी होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके फादर या आपके spouse या आपके भाई के नाम पे है बट दे आर यू सो उसका लेटर भी लाजमी होना चाहिए कि यस दे आर विलिंग टू स्पॉन्सर यू फॉर फर्दर स्टडीज सो इस सेक्शन में आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो किसी भी रेलिवेंट प्रोग्राम के लिए तो चले हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ सो अब मैं आ चुका हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे सबसे पहले आपने सर्च करना है स्टडी इन नॉर्वे स्टडी इन norway.no तो आप आ जाएंगे तो आपने सिंपली अपना लेवल चूज़ करना है लेट सपोज़ आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो उसके बाद लेट्स सपोज़ कि आप अप्लाई करना चाह रहे हो साइंस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में आप यहाँ पे सर्च करोगे तो आप आपको पूरी लिस्ट दे दी जाएगी कि किस फील्ड में आप किस जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो सो लेट सपोज कि हम अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइड कंप्यूटर साइंस में जो कि है मास्टर डिग्री इन यू आई टी द आर्टिक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्वे सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है आपने यहाँ पर आपको ले आएगा इस लिंक पर इसका आप देख सकते हैं एप्लीकेशन डेड लाइन इस फर्स्ट दिसंबर ट्यूशन फी कुछ भी नहीं है एंट्री रिक्वायरमेंट्स रिलेवेंट अंडर ग्रेजुएट बैचलर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस और इक्विलेंट विथ मिनिम ट्वेंटी फाइव ग्रेड्स मैथमेटिक्स फाइव ग्रेड स्टेस्टिक्स सेवन पॉइंट फाइव ग्रेड फिजिक्स ना और ये सिटी है ये डिफरेंट ग्रेड है ये लैंग्वेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश है so यहाँ से आप सिम्पली जाओगे प्रोग्राम की वेबसाइट पर यह प्रोग्राम की वेबसाइट है उसके बाद फिर आपने आना है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, क्या हैं तो यहाँ पर आपको सारी वही रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगी जो हमने आपको ऑलरेडी बता दी हुई है देन आप अप्लाई करोगे एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई जब आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा एप्लीकेशन पोर्टल का जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अपल्लीकेशन पोर्टल फॉर एडमिशन फॉर दर्टम ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज नाउ क्लोज वो खुलेगा अक्टूबर फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू एंड उसकी डेडलाइन है नोवर फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सो यू है वेबसाइट ऑफ ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी उसके बाद फिर आपको आइडिया मिलेगा कि किस यूनिवर्सिटी में आ, किस यूनिवर्सिटी की स्टार्टिंग डेट कौन सी है और डेडलाइन कौन सी है इसके अलावा एक दूसरी वेबसाइट है जिस जो के है शोकनाथ वेब आप सिंपली यहां पे आओगे जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे होगे तो तो आपको इसी का लिंक मिलेगा आपने यहां पे अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है जैसे कि हमने अभी सेलेक्ट की थी यू आई टी नॉर्वे तो आप सिंपली कंटिन्यू कर दोगे फिर आप यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाओगे ठीक है जैसे कि आप एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट हो तो आप सिंपली यहाँ पे आओगे आप यहाँ पे अपना नेम दे दोगे अपना ई दे दोगे उसके अलावा आप किस कंट्री के सिटीज़न हो, आप वो दे दोगे डेट ऑफ बर्थ दे दोगे और आप फिर रजिस्ट्रेशन कर लोगे आपको दोबारा इंटर होने की ज़रूरत नहीं है सो so, आप दोबारा से यहाँ पर साइन इन हो जाओगे एंड देन ईजीली आप जो डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं उसके थ्रू जाते हुए आप फिर अपना पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस कर लोगे सो आई आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी आपको आपने काफ़ी ज़्यादा सीखा होगा फिर भी अगर आपके माइंड में किसी टाइप के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा और प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माय चैनल डू लाइक एंड कमेंट मिलते हैं अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़